हाँ जी मित्रों, स्वागत करते हैं तुहाड़ा सब दा साडे चैनल के स्टडी बॉन्ड दे विच। लैके हाजिर हो जाए दोस्तों, 12वीं जमात वाले दे लई कंप्यूटर दा पेपर आ, जो कि दोस्तों फुल सॉलिड वीडियो होने वाली है, तो करके वीडियो दे लास्ट तक बने रहना। हाँ जी मित्रों, वीडियो दे लास्ट तक बने रहना, तो ही तुहानू चंगी तरह पेपर याद होवेगा ते तुसीं वधिया तों वधिया नंबर लैके हासिल होवोगे। तो दोस्तों चैनल ते नवें दा चैनल कर लैणा सबसक्राइब, तो घंटी ते क्लिक करके ऑल दा सैट जरूर कर देना। तो दोस्तों सब तो पहला आएगा तुहाडे कोल खाली थावां, सही गलत दी चोण, पूरे नाम ते शॉर्टकट कीज। तो दोस्तों सब तो पहला आजगा कंप्यूटर का समूह है जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं। दोस्तों आंसर की होगा नैटवर्क। फंक्शन विच मोडली डाटा टाइप की होंदा है, इसका आंसर आज वर्ड। हेठ लिखे विच केड़ी स्टेटमेंट नूं कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है, उत्तर दोस्तों आज आइफ। तो अगे आजगा डैश वर्ड प्रोसैसर सॉफ्टवेयर है, उत्तर की आज दोस्तों एम एस वर्ड। डैश असल विच मल्टीपल मल्टीपोर्ट रिपीटर है। तो दोस्तों उत्तर आ जाऊ हब। तो अगे आ जाऊ एड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, उत्तर की आ जाए दोस्तों मोबाइल। तो अगे आ जाए स्प्लिट ऑप्शन की वरतों, ऑडियो या वीडियो नूं डैश करने लिए वरती जाती है, उत्तर आ जाए दोस्तों तोड़ना। स्पैलिंग ते ग्रामर की जांच करने लिए डैश की वरती जाती है, उत्तर आ जाऊ एफ सैवन। तो लीडिंग का मतलब है दो लाइना विचकार दूरी। तो अगे आ जाओ कापी करने लिए शॉर्टकट की लिखो, उत्तर आ जाओ कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट करने लिए शॉर्टकट की लिखो, कंट्रोल प्लस बी। तो यू टी पी का पूरा नाम लिखो, अनसीलड ट्विस्टड पेयर। तो एफ टी पी का पूरा नाम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वाईफाई का पूरा नाम लिखो, वायरलैस फिडेलिटी। तो वी आर का पूरा नाम दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन आ जाऊगा, एक इफ स्टेटमेंट का दूसरी इफ स्टेटमेंट विच लिखना नेस्टड लूप खवाता है। दोस्तों इहदा आंसर आ जो गलत आ। सी भाषा विच प्रोग्राम के सधारण व्यवहार में बदलने लिए कंट्रोल स्टेटमेंट वरते जाते हैं, यह दोस्तों सही आजगा। तो लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट छड़न लई कंटिन्यू स्टेटमेंट अक्सर फायर होंदे हन, उत्तर आ जाए दोस्तों इहदा सही। तो अगे तुसीं भाग आड़ा देख सकते हो, भाग आड़ा आ जाए दोस्तों 20 अंकां दा। एक्सल की है, यह चार चार नंबरों वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। सब तो पहला एक्सल की है, उत्तर आ जाए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सल एक शक्तिशाली इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट प्रोग्राम है। असीं आम तौर पर इसकी वरतों अकाउंटेंट दे काम नूं स्वचालित करन, डाटा नूं व्यवस्थित करना ते कई तरह के गणितीय काम करन लई कर सकते हाँ। इस दी वरतों नाल असीं विद्यार्थी दे नतीजे आसानी नाल तैयार कर सकते हाँ अते चार्ट दी मदद नाल डाटा नूं तस्वीर दे रूप विच पेश कर सकते हाँ। फॉरमैटिंग डिटेल विच दसो, उत्तर आज दोस्तों टैक्सट नूं फॉरमैट करन तों भाव है फोंट दी शैली स्टाइल नूं बदलना, जिवें कि फोंट दे साइज़ नूं वधाउणा ते घटाउणा, टैक्सट दा रंग बदलना, टैक्सट नूं बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना आदि। फॉरमैटिंग नाल असीं टैक्सट जां तस्वीर आदि दी दिखावट नूं बदल सकते हाँ। एम एस वर्ड एक्सल पावरपॉइंट विच फॉरमैटिंग नाल संबंधित कमांड्स होम टैब विच उपलब्ध होंदी हन। तो दोस्तों इस दी थां ते तुसीं इह वाला क्वेश्चन कर सकते हो, प्रिंट अते प्रिंट व्यू विकल्पां दी व्याख्या करो, उत्तर आ जाओ दोस्तों प्रिंट प्रव्यू एक अजीब विशेषता जो स्क्रीन ते इह प्रदर्शन करती है कि हार्ड कापी प्रिंट होण उपरंत किस तरह का दिखाई देगी। जदों असीं फाइल मेनू विच प्रिंट ऑप्शन ते क्लिक करते हाँ तो यह अपने आप ही साडे डाकूमेंट का प्रव्यू स्क्रीन दिखाता है, भाव असी प्रिंट प्रव्यू ऑप्शन की मदद नाल अपने डाकूमेंट नूं प्रिंट करन तों पहला ही यह चैक कर सकते हैं कि प्रिंट होने तो बाद किस तरह का दिखाई देवेगा। जदों कि प्रिंट कमांड की वरतों नाल असी अपने डाकूमेंट नूं प्रिंटर की मदद नाल हार्ड कापी रूप विच प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाऊगा, ब्रांचिंग नूं परिभाषित करो, इस दियां वख-वख कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम लिखो, उत्तर आ जाओ दोस्तों वो स्टेटमेंट जिन्हां की वरतों प्रोग्राम विच फैसला लैण लई जां मल्टी वे सिलैक्शन करन लई कीती जांदी है, उस स्टेटमेंट नूं ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। इस स्टेटमेंट प्रोग्राम के चलन दौरान एक ब्रांच या दूजी ब्रांच की चोण करदियां हन। ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हेठ लिखिया दो किस्म दियां होंदियां हन, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ते मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। या फिर तुसीं दोस्तों लूपिंग की है, तीन वख
वख किस्म दियां लूपिंग स्टेटमेंटा दे नाल लिखो, ए वाला क्वेश्चन कर सकदे हां। तो उत्तर दोस्तो आजूगा वह कंट्रोल स्टेटमेंट जिन्हां दी वरतों प्रोग्राम विच हिदायतां दे समूह नूं दोहराउण लई कीती जांदी है, उन्हां नूं लूपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। लूपिंग स्टेटमेंट नूं आइटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। सी भाषा विच हेठां लिखे तीन लूपिंग स्टेटमेंट की वरतों की जाती है, फोर लूप, डूइल रूप, व्हील रूप। अगे दोस्तों चौथा क्वेश्चन आजूगा वी ब्रिज की है। उत्तर दोस्तों आजूगा ब्रिज एक नैटवर्क उपकरण है। इस उपकरण की वरतों दो वक्रे इथरनेट लैंस यानी कि तो नैटवर्क को आपस में जोड़ने की जाती है। डाटा पैकेट्स नैटवर्क में अगे भेजने लिए काम यह मैक एड्रैस की वरतों करता है। यह एक नैटवर्क तो किसी दूजे नैटवर्क में सिर्फ उन्हां पैकेट्स ही भेजता है अगे भेजता है जो नैटवर्क नाल संबंधित होंदे हन। इस उपकरण में सिर्फ एक इनपुट पोर्ट अते एक ही इनपुट पोर्ट है, इसलिए इस उपकरण दो पोर्ट उपकरण भी कहा जाता है। तो दोस्तों पंजवां क्वेश्चन आज ब्लूटूथ टैक्नोलॉजी की परिभाषा दो। उत्तर आजूगा ब्लूटूथ एक किस्म की रेडियो संचार टैक्नोलॉजी है जिस नाल हर किस्म दियां मीडिया फाइलों नूं बिना तारां तों भेजा जा प्राप्त किया जा सकता है। यह फोन कंप्यूटर ते होर डिवाइस के विचकार एक छोटी दूरी वायरलैस नैटवर्किंग नूं समर्थ बनाउंदी है। दो ब्लूटूथ उपकरणों नूं आपस में कनैक्ट करने लई जिहड़ी प्रक्रिया की वरतों की जाती है उसनूं पेयरिंग कहा जाता है। तो दोस्तों अगे आ जाओ भाग एडी जो कि तुहाडे 12 मार्क्स हो जाएंगे, छे नंबर वाले प्रश्न होणगे इह जो कि तुसीं देख सकते हो। नैटवर्क यंत्र की हन, किसी भी तीन नैटवर्क यंत्रां दा वर्णन करो। उत्तर दोस्तों इस तरह जो नैटवर्क यंत्र तो भाव है वह हार्डवेयर यंत्र है जो नैटवर्क बनाने लई वरते जाते हैं। वख वख किस्म के नैटवर्कों लई वख वख तरह के नैटवर्क यंत्रां की वरतों की जाती है, जिमें कि स्विच, हथ, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ब्राउजर आदि। कुछ मुख्य नैटवर्क यंत्रां दा वर्णन इस प्रकार है। स्विच, यह उपकरण एक नैटवर्क में मौजूद वख वख डिवाइसा जिमें कि कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर या होर स्विचों आपस में जोड़न का काम करता है ताकि यह डिवाइसा आपस में संचार करन योग बन सकन। इंटरनेट मॉडम, रूटर, प्रिंटर, गेम मशीन, हार्ड डिस्क, राउटर। यह उपकरण साढ़े नैटवर्क को इंटरनेट नाल जोड़न लई वरते जाता है। यह एक स्विच वर्गा ही उपकरण हुंदा है जो डाटा नूं पैकेट नूं उसके पी एड्रैस के आधार पर नैटवर्क उपर भेजा है। ब्रिज, यह उपकरण की वरतों वक्रे इथरनेट यानी कि लैन नैटवर्क नूं आपस में जोड़न लई कीती जाती है। डाटा पैकेट्स नूं नैटवर्क विच अगे भेजन लई यह मैक एड्रैस की वरतों करता है। इस उपकरण विच सिर्फ एक इनपुट पोर्ट अते एक ही आउटपुट पोर्ट हुंदी है, इसलिए इस पोर्ट नूं दो पोर्ट उपकरण भी कहा जाता है। या फिर ट्विस्टड पेयर कंबल की है, इसके फायदे ते नुकसान बारे लिखो। तो दोस्तों ए वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो दूजा क्वेश्चन आज दोस्तों इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, इसके एप्लीकेशन खेत्र बारे दसो। तो दोस्तों इसका इस प्रकार हो जूगी, तुसी देख लेना, इनू पढ़ लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो यदि थान पर तुम नॉन टैक्नोलॉजी और वाईफाई टैक्नोलॉजी ते नोट लिखो, ए वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ए वाला क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं, तुहाडे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने दोस्तों। फिर एक बार तुम फिर तो वीडियो इसे चंगी तरह देख लेना, दोबारा वीडियो देख के इस याद कर लेना। तो दोस्तों चंगी तरह इन्होंने पेपरों को याद जरूर करके जाना ताकि चंगी तरह पेपर के नंबर आ सकन। तो दोस्तों जेकर तुहानू होर भी कोई क्लास का पेपर चाहिए है तो तुम कमेंट कर सकते हो। थले कमेंट वाली ऑप्शन जिहड़ी दित्ती गई है, तुसीं कमेंट कर सकते हो ते अपनी क्लास ते सब्जेक्ट दस सकते हो, असीं वो पेपर लेके हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपां मिलदे हां उदों तक लई अगली वीडियो विच। धन्नवाद, थैंक्स।